हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज हम एक ऐसी जगह पर चलने वाले हैं जहाँ पर चलकर बहुत ही सुकून महसूस होता है। तो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं सूरत के कामरेज नामक स्थान पर, दादा भाई मंदिर। दादा भगवान मंदिर का टेंपल है यह, त्रिमंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसे ट्री टेंपल भी कहते हैं। और दादा भगवान का मंदिर गुजरात में बहुत जगह पर स्थित है। इसके अलावा विदेशों में भी इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जहाँ पर सत्संग होते हैं दादा भगवान के, और वहाँ पे बहुत दार्शनिक शिक्षा दी जाती है। दोस्तों, दादा भगवान गुजरात के ही नहीं वरन पूरे देश के आध्यात्मिक गुरु और नेता थे। दादा भगवान का जन्म 7 नवंबर 1908 को हुआ था। भारत के एक आध्यात्मिक नेता के रूप में इनकी पहचान है, और इन्होंने अक्रम विज्ञान आंदोलन की स्थापना की थी। बहुत कम उम्र में ही उनका झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ चला गया था, और धार्मिक विषयों में बहुत रुचि लेते थे। लोग इन्हें दादाश्री के नाम से भी जानते थे। इनका वास्तविक नाम अम्बालाल मूलजी भाई पटेल था। इन्होंने 1958 में आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसके बाद ये पूरे देश में और विश्व में अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, और सत्संग के माध्यम से इन्होंने अक्रम विज्ञान का आंदोलन चलाया। त्रि मंदिर में दादा भगवान का म्यूजियम भी है, नीचे संग्रहालय है, और ये दादा भगवान की तस्वीर लगी हुई है। मंदिर के पीछे ही एक बहुत बड़ी भोजनशाला है जहाँ पर बहुत अधिक लोग एक साथ खाना ले सकते हैं, और ये खाना बहुत कम चार्जेज में है, बहुत कम पैसा लिया जाता है, लगभग फ्री जैसा ही है। और दादा भगवान
का साहित्य उपलब्ध है यहाँ पर, जो फ्री में लोगों को वितरित किया जाता है। यहाँ जो कार्यकर्ता बैठे हैं वो दादा भगवान का साहित्य फ्री में लोगों को वितरित करते हैं और अध्यात्म का ज्ञान फैलाते हैं। तो साथियों, कैसा लगा आपको दादा भगवान टेम्पल कामरेज सूरत का? इसी प्रकार अहमदाबाद में और गुजरात के अन्य शहरों में भी दादा भगवान के टेम्पल स्थित हैं और वहाँ पर बहुत सुकून और शांति मिलती है और आध्यात्म का ज्ञान मिलता है। यहाँ पर सब सुविधाएं हैं, बाहर से आने वाले लोगों के लिए धर्मशाला है, होटल्स हैं और बहुत कम चार्जेज में खाना भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।